आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन, जानिए खिलाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया और ऑक्शन की पूरी रणनीति। नमस्कार, चकदे क्रिकेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी। आईपीएल 2025 की नीलामी एक शानदार और रोमांचक इवेंट बनने जा रही है, जो 24-25 नवंबर को सऊदी अरब के जिद्दा में आयोजित होगी। इस वीडियो में हम आपको आईपीएल 2025 की नीलामी से जुड़ी हर अहम जानकारी देंगे, जो हर क्रिकेट फैन और फ्रेंचाइजी के लिए बेहद दिलचस्प होगी। आप जानेंगे कि किस फ्रेंचाइजी के पास कितने स्लॉट खाली हैं, उनके पास कितने आरटीएम कार्ड उपलब्ध हैं, आरटीएम कार्ड क्या होता है और कौन सी टीमों के पास सबसे ज़्यादा बजट बचा है। हम आपको नीलामी प्रक्रिया, खिलाड़ी के बेस प्राइस और नए नियमों जैसे इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में भी जानकारी देंगे। साथ ही हम सबसे युवा और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो इस नीलामी में हिस्सा ले रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में जानें कि आईपीएल 2025 की नीलामी में क्या कुछ खास होने वाला है। पहला, आईपीएल 2025 नीलामी में कितने खिलाड़ी मैदान में होंगे। आईपीएल 2025 की नीलामी में कुल 13 देशों के 574 खिलाड़ी भाग लेंगे। आपके स्क्रीन पर उन देशों और उनके खिलाड़ियों की संख्या दी जा रही है, जो आप देख सकते हैं। इस लिस्ट से आप देख सकते हैं कि भारत के खिलाड़ी सबसे अधिक हैं, जबकि स्कॉटलैंड और यूएसए के केवल कुछ ही खिलाड़ी नीलामी में भाग लेंगे। दूसरा है, एक टीम में अधिकतम और न्यूनतम कितने खिलाड़ी हो सकते हैं। एक आईपीएल टीम में अधिकतम 25 खिलाड़ी हो सकते हैं, जबकि न्यूनतम 18 खिलाड़ी टीम में होने चाहिए। तीसरा जो है वो है, एक टीम में कितने विदेशी खिलाड़ी होंगे। अब बात करते हैं विदेशी खिलाड़ियों की, तो एक टीम में अधिकतम 8 विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं, यानी कि कोई भी टीम अपने साथ 8 विदेशी खिलाड़ियों को जोड़ सकती है, जो 25 सदस्य स्क्वाड में शामिल होंगे। हालांकि प्लेइंग 11 में एक टीम में 4 से अधिक विदेशी खिलाड़ी नहीं हो सकते हैं। कोई भी टीम अगर अपनी प्लेइंग 11 बनाती है तो उसमें से 4 से अधिक विदेशी खिलाड़ी को उस प्लेइंग 11 में नहीं रख सकती। टीमें प्लेइंग 11 में 3 विदेशी खिलाड़ियों के साथ भी उतर सकती है, यानी 4 से कम विदेशी खिलाड़ी टीम में हो सकते हैं, लेकिन कभी भी 4 से अधिक विदेशी खिलाड़ी प्लेइंग 11 में नहीं हो सकते। चौथा जो है वो आईपीएल 2025 नीलामी में खिलाड़ी और स्लॉट। इस बार 574 खिलाड़ियों का नाम नीलामी में शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनमें से 366 भारतीय खिलाड़ी और 208 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। इसके अलावा 3 एसोसिएट देशों के खिलाड़ी भी नीलामी में शामिल होंगे। इन 574 खिलाड़ियों में से कुल 244 कैप्ड खिलाड़ी और 330 अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। आगे के वीडियो में हम ये भी जानेंगे कैप्ड खिलाड़ी क्या होते हैं और अनकैप्ड खिलाड़ी क्या होते हैं। सभी फ्रेंचाइजियों को मिलाकर 204 स्लॉट भरे जाएंगे, जिनमें से 70 विदेशी खिलाड़ियों को खरीदा जा सकता है। पांचवा जो पॉइंट है वो है, हर टीम के लिए खाली स्लॉट और विदेशी खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। नीलामी से पहले विभिन्न टीमों के पास खाली स्लॉट की संख्या और विदेशी खिलाड़ियों के लिए कितने स्थान उपलब्ध हैं, यह इस प्रकार है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। छठा जो है वो, आईपीएल नीलामी की प्रक्रिया क्या है। नीलामी में भाग लेने के लिए खिलाड़ी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। इस साल 1574 यानी कि 1574 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन इनमें से केवल 574 खिलाड़ी नीलामी में शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इन खिलाड़ियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे बल्लेबाज, गेंदबाज, विकेटकीपर और ऑलराउंडर, और इन पर अलग अलग दौर में बोली लगाई जाएगी। नीलामी प्रक्रिया में विभिन्न चरण होते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। पहला जो है वो खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, पहले खिलाड़ियों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। दूसरा, शॉर्टलिस्ट खिलाड़ियों का चयन, फिर उनमें से रजिस्ट्रेशन किए गए खिलाड़ियों में खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तीसरा है मार्की खिलाड़ियों की बोली। चौथा है बल्लेबाजों की बोली। फिर पांचवा, ऑलराउंडर्स की बोली। छठा, विकेटकीपर बल्लेबाजों की बोली। सातवा, तेज गेंदबाजों की बोली। आठवां जो है स्पिनर्स की बोली। और नौवां जो आखिरी में होगा वो है अनकैप्ड खिलाड़ियों की बोली लगाई जाएगी। सातवां जो पॉइंट है वो है सोल्ड और अनसोल्ड खिलाड़ी। तो ये सोल्ड और अनसोल्ड खिलाड़ी क्या होते हैं? जब नीलामी में किसी खिलाड़ी का नाम पुकारा जाता है तो फ्रेंचाइजी अपनी बोली लगाती है। यदि किसी खिलाड़ी के लिए कम से कम एक फ्रेंचाइजी ने बोली लगाई तो उसे सोल्ड कहा जाता है। यदि कोई फ्रेंचाइजी किसी खिलाड़ी पर बोली नहीं लगाती तो वह अनसोल्ड कहलाता है। अब हम जानेंगे कैप्ड और अनकैप्ड खिलाड़ी क्या होते हैं। तो कैप्ड खिलाड़ी वे होते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले होते हैं।
वहीं अनकैप्ड खिलाड़ी वे होते हैं जिन्होंने अब तक कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। अब बात करेंगे राइट टू मैच कार्ड क्या है। दरअसल RTM की पूरी फुल फॉर्म राइट टू मैच है। यह नियम पहली बार 2017 में लागू किया गया था, लेकिन 2022 के मेगा ऑक्शन में इसे हटा दिया गया था। अब इसे फिर से IPL में लागू किया गया है। यह नियम फ्रेंचाइजी को उस खिलाड़ी को वापस खरीदने का अवसर देता है जो पिछले सीजन में उनकी टीम का हिस्सा रहा था। जब कोई खिलाड़ी रिलीज होकर ऑक्शन में आता है और अन्य टीमों द्वारा उस पर बोली लगाई जाती है, तो इसके बाद रिलीज करने वाली टीम से पूछा जाता है कि क्या वह खिलाड़ी के लिए RTM का इस्तेमाल करना चाहती है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई खिलाड़ी जो पिछले सीजन में किसी टीम का हिस्सा था अब नीलामी में बिकने के लिए आ रहा है, तो उस टीम को RTM कार्ड मिलता है। यदि वह टीम चाहती है तो वह खिलाड़ी को वापस खरीद सकती है। इसके लिए उसे उस खिलाड़ी पर लगाई गई आखिरी बोली के बराबर राशि चुकानी होती है। अगर टीम RTM का उपयोग नहीं करती तो वह खिलाड़ी उस टीम को मिल जाता है जिसने आखिरी बोली लगाई होती है। अब देखते हैं कि सभी फ्रेंचाइजियों के पास कितना RTM है। आप अपने स्क्रीन पर इसे विस्तार से देख सकते हैं। अब हम जानेंगे कि कौन से फ्रेंचाइजी के पास कितनी RTM कार्ड बची हुई है। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के पास आप देख सकते हैं कि केवल एक RTM कार्ड है जो कि अनकैप्ड खिलाड़ियों के लिए उपयोग किया जा सकता है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के पास 3 RTM कार्ड है जिससे वे किसी भी प्रकार के खिलाड़ी को अपनी टीम में जोड़ सकते हैं। पंजाब किंग्स के पास सबसे ज़्यादा 4 RTM कार्ड है और यह सभी अनकैप्ड खिलाड़ियों के लिए होंगे क्योंकि उन्होंने केवल 2 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स के पास कोई RTM कार्ड नहीं है क्योंकि इन्होंने सभी 6 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के पास एक एक RTM कार्ड है जिससे वह अनकैप्ड खिलाड़ी को खरीद सकती है। अब हम बात करेंगे पर्स और बजट की कि किस फ्रेंचाइजी के पास उनके पर्स में कितनी बजट है। हर फ्रेंचाइजी को एक निश्चित पर्स मिलता है और इस बार नीलामी में कुल मिलाकर 641 करोड़ सभी फ्रेंचाइजियों को मिलाकर 641 करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं। पंजाब किंग्स के पास सबसे ज़्यादा 110.5 करोड़ रुपए का पर्स बचा है, जबकि राजस्थान रॉयल्स के पास सबसे कम 41 करोड़ रुपए का पर्स बचा है। आपके स्क्रीन पर IPL 2025 नीलामी में प्रत्येक फ्रेंचाइजी के पर्स और बजट की जानकारी दी गई है जो कि आप विस्तार से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि हर टीम के पास कितनी राशि बची है और उनकी नीलामी के दौरान कितने राइट टू मैच कार्ड उपलब्ध हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंचाइजियों की रिटेंशन स्थिति के बारे में। तो फ्रेंचाइजियों को अधिकतम 6 खिलाड़ियों को रिटेन करने की अनुमति होती है। इनमें से 5 अनकैप्ड और 1 अनकैप्ड खिलाड़ी हो सकते हैं। जिनमें टीमों ने कम खिलाड़ियों को रिटेन किया है उनके पास अधिक RTM कार्ड होंगे। उदाहरण के तौर पर पंजाब किंग्स ने 2 खिलाड़ियों को रिटेन किया है इसलिए उनके पास 4 RTM कार्ड हैं, जबकि मुंबई इंडियंस ने 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है इसलिए उनके पास केवल 1 RTM कार्ड है। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट प्लेयर नियम की। तो IPL 2023 से शुरू हुए इम्पैक्ट प्लेयर नियम के तहत प्रत्येक टीम को एक अतिरिक्त खिलाड़ी को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल करने का मौका मिलता है। इस नियम से टीमें मैच के दौरान रणनीतिक बदलाव कर सकती है जिससे खेल और भी रोमांचक हो जाता है। अब हम बात करेंगे नीलामी में बेस प्राइस की। तो खिलाड़ियों का बेस प्राइस उनके अनुभव और प्रारूप के आधार पर तय किया जाता है। अनकैप्ड खिलाड़ियों का बेस प्राइस 20 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक हो सकता है, जबकि कैप्ड खिलाड़ियों का बेस प्राइस 50 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक होता है। नीलामी में चयन की प्रक्रिया क्या है। तो नीलामी के दौरान जिन खिलाड़ियों की बोली नहीं लगती उन्हें एक्सेलरेटेड ऑक्शन में फिर से मौका दिया जाता है। यह उन खिलाड़ियों के लिए एक आखिरी अवसर होता है जो पहले नहीं बिक पाए होते हैं। फ्रेंचाइजियों की वित्तीय स्थिति की बात करें तो हर फ्रेंचाइजी के पास नीलामी में खर्च करने के लिए एक पर्स होता है, जो कि हमने पहले भी बताया है, और इस साल IPL के पर्स में 100 करोड़ रुपये का इजाफा किया गया है। उम्र के हिसाब से IPL 2025 में सबसे युवा और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी की बात करें तो इस नीलामी में सबसे युवा खिलाड़ी बिहार के 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी हैं जिनका बेस प्राइस 30 लाख रुपए है। वहीं इंग्लैंड के 42 वर्षीय तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन इस नीलामी में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपना बेस प्राइस 1 करोड़ 25 लाख रुपये रखा है।
प्रोफेशनल नियमों और प्रतिबंधों का पालन। अगर कोई खिलाड़ी नीलामी में चुने जाने के बाद सीजन से पहले खुद को अनुपलब्ध घोषित करता है तो उसे अगले दो सीजन के लिए आईपीएल या नीलामी में भाग लेने से प्रतिबंध कर दिया जाएगा, सिवाय चोट या चिकित्सा कारणों के। वही नीलामी करता इस बार कौन है तो अब तक आईपीएल ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मल्लिका सागर नीलामी करता होंगी। मल्लिका महिला प्रीमियर लीग के ऑक्शन में भी नीलामी करता रह चुकी हैं। पिछले साल ह्यू एडमिट्स ने नीलामी की थी। कुल मिलाकर इस बार की आईपीएल नीलामी में खिलाड़ियों के चयन से लेकर टीमों की रणनीतिक तैयारियों तक हर पहलू में काफ़ी रोमांचक मोड़ देखने को मिलेगा। आपको यह आईपीएल से संबंधित जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं, और साथ ही आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल नीलामी में सबसे महंगी बोली किस खिलाड़ी पर लग सकती है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।